नमस्कार जोहार आदाब, मैं हूं आपका आज़ाद और आज मैं आ गया हूं सारठ विधानसभा के पालोजुड़ी प्रखंड में। बस वही फिर से हाल दिखाऊंगा। विधायक मंत्री का महल बन रहा है लेकिन आम जनों का चलने का रास्ता अभी भी वही उबड़ खाबड़। बारिश के दिनों में यहां के लोगों का तो जीना हराम हो जाता है, कैसे इस सड़क पर जाए। ये पालोजुड़ी हटिया रोड है और मुख्य रोड में से एक रोड हुआ करता था बाईपास, लेकिन आज जब इसकी स्थिति देखेंगे तो ये चलने लायक नहीं है। जगह जगह गड्ढा है और बारिश के दिनों में यहाँ पानी भर जाता है जिससे अपार दुर्घटनाएं होती है। और अभी जो सड़क है पालोजुड़ी चौक के पास, वहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। विधायक जी से आग्रह है कि यदि ये रोड बन जाता तो जाम की समस्या नहीं बनती। अब आगे जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से और पूछते हैं कि क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है जब रोड नहीं बनती है। तो रोड जाम है। निकले थे कि सड़क की समस्या, लेकिन इस गली का तो समस्या और भी है कि यहाँ लोग स्वयं से बांस लगा करके अपने घरों में तार का मतलब बिजली का तार पहुँचा रहे हैं। और यहाँ बड़े बड़े वादक करते हैं यहाँ के विधायक मंत्री कि मैंने अपने क्षेत्र की समस्या को ख़त्म कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि बांस के सहारे लोगों के घरों में बिजली का तार पहुँच रहा है। आप लोग बोलिएगा ठीक है। ये देखिए, बांस के खंभे के सहारे बिजली तार लोग अपने घरों तक पहुंचा रहे हैं। बिजली विभाग भी बिजली का बिल दिन पर दिन बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य समस्या है लोगों की, उस समस्या को दूर ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। के लिए हम लोग गाड़ी के लिए सोचना पड़ता है रास्ता में जो कैसे हम लोग पार होएंगे। गाड़ी वाला को क्या दिक्कत होता है? गाड़ी वाला को पूरा दिक्कत है, गाड़ी फंस जाता है, गाड़ी पलटी मार देगा, कोई इसमें ही नहीं है। हम लोग जो पार करते हैं, हम लोग अपना सोच समझ के पार करते हैं। कौन सा जगह है, कौन सा जगह ये रोड? ये रोड हो गया आपका विकास विकास हटिया रोड, हटिया रोड पालोजुड़ी। तो ये किधर निकलता है? इधर पीछे साइड हटिया तरफ। और ये इधर किधर निकलता है आपका? ये आपका मोड़ में विकास बदल आगे। ये कौन सा प्रखंड हुआ? ये हो गया सारठ पालोजुड़ी सारठ। वो हम पूछ लेंगे, ये जो सड़क जो है कितने दिनों से ऐसा है? बहुत दिन से। तो क्या समस्या होती है रोड में? घड़ा घोड़ी है। तो यहाँ आदमी और चलता है कि जानवर? आदमी चलता है, जानवरों चलता है, सबको चलता है। तो इसमें आप लोग आवेदन वगैरह विधायक मंत्री साहब को बोला गया है? क्या बोलते हैं वो लोग? बहुत जगह बोला जाता है। क्या दिक्कत है इस रोड से? रोड से बहुत दिक्कत है, आने जाने में हम लोग को इतना दिक्कत होता है ना। कितना साल से जा रहे हैं ये रोड में आप लोग? पीछे गड्ढा है, आप लोग को ये सब जो गड्ढा है सड़क में, इससे क्या क्या समस्या हो रहा है? इसमें ज़्यादातर इस रोड में पालोजुड़ी के हटिया रोड कहलाते हैं, इस रोड में एक विद्यालय है, निजी विद्यालय, और एक गैस गोदाम है। तो निजी विद्यालय में जो बच्चे खासकर छात्र छात्राएं अवागमन करते हैं, वो लोग तो गिरते ही हैं, और गाड़ी घोड़ा
जो चलती है उसमें पलटी मार देते हैं, कई बार एक्सीडेंट भी हुआ है। और हम लोग अपने चंदे इकट्ठा करके मोहल्ले वाले इसमें मिट्टी वगैरह डलवाते हैं, ना प्रखंड प्रशासन, ना जिला प्रशासन, ना जनप्रतिनिधि, किसी का इस पर ध्यान नहीं। इस रोड पर, इस रोड ही नहीं, इसके साथ साथ बिजली का भी समस्या है। इस मोहल्ला में लो वोल्टेज है, पोल की समस्या है, जो हम लोग बांस के खंभे के सहारे बिजली लिए हैं। ये समस्या है, हर जगह एप्लीकेशन वगैरह दिया गया, बोला गया, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, कहीं कोई सुनवाई नहीं। न जिला प्रशासन, न प्रखंड प्रशासन, न जनप्रतिनिधि, किसी का ध्यान हटिया रोड पालाजोर पे ध्यान नहीं है। कृपया इसको भगवान भरोसे हम लोग जी रहे हैं। ये रोड सुनते हैं, जैसे कि और लोगों ने बताया कि मुख्य रोड हुआ करता था पहले, और आज इस रोड की ऐसी स्थिति आखिर क्यों हो गई? इसलिए हुई कि इसमें प्रशासन कभी ध्यान नहीं दिए, कोई किसी ने नहीं ध्यान ही नहीं दिए। झारखंड बनने के पहले तो समस्या था ही, वो तो छोड़ ही दीजिए, बिहार, संयुक्त बिहार के समय, झारखंड बनने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, 22 साल हो गए, किसी का ध्यान नहीं। हम लोग बार बार एप्लीकेशन दिए, मौखिक रूप से कहें, कहीं कोई सुनवाई नहीं, बस आश्वासन की सिवा कुछ नहीं मिलता है। और ये बिजली का जो तार देखिए कि 5 फीट, 5.5 फीट हाइट होगी, और दुर्घटना को यहाँ दावत नहीं दे रहा है, बराती के साथ बुला रहा है। निजी विद्यालय यहाँ पर संचालित है, और इसी निजी विद्यालय के ठीक बगल में ये देखिए सड़क जा रही है, और कच्ची सड़क है, बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न है, हो रही है यहाँ, और बारिश के दिनों में तो और ज़्यादा गंभीर समस्या हो जाती है। ऐसे में मैं उन जनप्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट करूँगा, आग्रह करूँगा कि इस समस्या को गंभीरता से लेकर इस समस्या का जल्द से जल्द निदान करने की कोशिश करें, और आगे भी जानेंगे कि कितने दूर तक इस सड़क की ये समस्या बनी हुई है। है पानी होता है तो, बारिश होता है तो बहुत गड्ढा हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, हम लोग निकल नहीं पाते। कौन जगह, कौन गांव है? ठेंगाड़ी। मतलब ये प्रखंड कौन सा पड़ा? प्रखंड पालोजोड़ी ना, पालोजोड़ी। तो ये रोड तो किधर निकलता है? इधर दीदी, हटिया रोड, हटिया में बाईपास, दुमका रोड। हाँ, दुमका रोड बाईपास जाते हैं, हटिया उठते हटिया। ये रोड जो है जी खराब है, बहुत स्थिति इसकी खराब है, तो आप लोग को क्या क्या समस्या हो रहा है इससे? बस इसमें देख लीजिए, हम लोग अपने से माटी भरवाए हैं, हम भी ये माटी अपने डलवाए, पैसा डलवा के करवाए रोड। यहाँ का विधायक कौन है? यहाँ का वही है रणधीर कुमार सिंह। तो रणधीर कुमार सिंह कब कब यहाँ आते हैं आप लोग से मिलने के लिए? अरे कब आते हैं पता नहीं चलता इनका। वोट मांगने से आए थे? वोट सामने आए थे, उसके बाद और एक बार आए थे। तो सड़क के लिए बोले थे कि नहीं? इनका टेंडर हो गया है इस रूट का, बल पिचिंग होगा। कब तक? अब देखिए कितना दिन में होता है। बारिश के दिनों में आप लोग कैसे निकलते होंगे? बहुत मुसीबत है, नाला वगैरह भी नहीं बना हुआ है, नहीं है। और ये मकान वगैरह देख रहे हैं कि सड़क से बहुत नीचे है। मकान में तो पूरा डंगा, ये पहले लोग बोलते हैं कि हम लोग का जन्म भी नहीं था, मेन रोड पहले यही था PWD का, जामताड़ा जाने के लिए यही रोड था। और आज इसकी स्थिति खत्म हो चुकी है। इसी रूट में स्कूल भी है। कितने स्कूल है? ये है सनराइज। चलिए ठीक। 50 साल से रोड का विकास हुआ नहीं है, और यहाँ पे जब से मेरा जन्म हुआ उसका होश संभाले तब से रोड तो बना ही नहीं है, और जब बारिश के समय में यह दुर्घटना का केंद्र बना रहता है ना, और यहाँ पे सब आश्वासन तो मिल जाता है लेकिन रोड का कोई काम होता नहीं है ना। समस्या होता है आप लोग रोड में? यही गाड़ी पार होने से गाड़ी पलटी मार जाती है, यही सब है रिक्स है, और विधायक जी का पते नहीं है कहाँ है। आप लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिले कि नहीं? मिले सबको, तो ये कि ये फेसबुक में डाले ये डाले, तो अभी तक किसी का देखभाल ही नहीं है। अपने से हम लोग भरे ये ईटा उठा तो गाड़ी सब अभी पार हो रही है, अपने से सब पैसा लगा के ये किए है, यही है कि ये रोड बन जाए।